मध्य प्रदेश में हंगामा है क्यों बरपा, एक बयान ही तो आया है। जी हाँ, सही सुना आपने। सूबे में फिलहाल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के अतिथि शिक्षकों को लेकर दिए एक बयान पर गजब का हंगामा बरपा हुआ है, जिसके दो पहलू हैं। एक हिसाब से मंत्री जी सही कह रहे हैं, क्योंकि अतिथि शिक्षकों को जब ज्वाइन कराया गया था तब उन्हें तमाम सेवा शर्तें बताई गई थी, इस लिहाज से मंत्री जी का बयान ठीक माना जा सकता है। लेकिन दूसरे पहलू पर नजर डालें तो लगेगा कि अतिथि शिक्षकों के साथ वादा खिलाफी की गई है। वादा खिलाफी ऐसे कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले बार बार जोर दिया था कि अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा, साथ ही उन्होंने अतिथि शिक्षकों के लिए शिक्षक भर्ती में आरक्षण समेत कई बड़े बड़े वादे भी किए थे। इधर सूबे के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी से भी इनकार नहीं किया जा सकता। त्रैमासिक परीक्षाएं आज से यानी 19 सितंबर से शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ चयनित उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, तो दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों की अपनी परेशानियां हैं, वो अलग आंदोलन कर रहे हैं, उनके साथ अलग दिक्कतें हैं। देखिए, शिक्षक भर्ती से जुड़े हर पहलू को उजागर करती हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों की मौजूदा हालत पर जरा नजर दौड़ाइए। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के करीब 70,000 पद खाली हैं। 1,275 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। 6,858 स्कूल एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। बड़े शहरों के स्कूल भी राम भरोसे हैं, इनमें भोपाल के 7, ग्वालियर के 18, इंदौर के 16 और जबलपुर के 15 स्कूल शामिल हैं। भोपाल के 43 स्कूलों में मात्र एक ही शिक्षक पहली से पांचवी तक की कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कुल 1,22,000 सरकारी स्कूल हैं, जहां 1,10,00,000 से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जब स्कूलों में शिक्षकों की यह स्थिति है तो पढ़ाई लिखाई की क्या हालत होगी। शिक्षकों की कमी के चलते प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुताबिक काम भी नहीं हो पा रहे, और ये सब जो मैं बोल रहा हूँ वो एजुकेशन पोर्टल पर जारी आंकड़ों के हवाले से बोल रहा हूँ, यानी दोस्तों ये आरोप नहीं सच्चाई है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के इस एक्स पोस्ट पर भी ध्यान दीजिए। ये वही पोस्ट है जो मैंने अभी पढ़कर आपको सुनाया है, जिसमें तमाम आंकड़ों के साथ सूबे में शिक्षकों की मौजूदा स्थिति समेत एजुकेशन सिस्टम का हाल बयां है। और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते, ये आंकड़े खुद चीख चीख कर शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था के प्रति मध्य प्रदेश सरकार की अरुचि और अनदेखी की गवाही दे रहे हैं। एक दिन पहले ही शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के एक बयान ने गजब का हंगामा बरपा दिया है। वो बयान आप सुन भी चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर वो बयान सुन लेते हैं। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण के नाम क्या है उनका, अतिथि आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? नाम क्या है उनका, अतिथि आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या, घर पे कब्जा करोगे क्या, घर पे कब्जा करोगे क्या? अब मंत्री जी के इस बयान के बाद पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षक बेहद खफा हो गए हैं, बेहद गुस्से में आ गए हैं। उनका कहना है कि वो 16 साल से स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और 16 साल बाद भी उन्हें उनका हक नहीं मिला, और जब ऐसा होगा तो वो कब्जा भले ही ना करें लेकिन अपना अधिकार तो मांगेंगे। अतिथि शिक्षक मुफ्त में रोटियां नहीं तोड़ रहे हैं और ना ही मंत्री जी के घर पर रुके हुए। इधर मंत्री जी ये मानने को भी तैयार नहीं है कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 70,000 पद खाली हैं। वो कह रहे हैं कि आखिर कहाँ खाली है 70,000 पद, सुनिए। किसने बोला 70,000 खाली, किसने बोला 70,000 खाली? जबकि मंत्री जी के इस सवाल का जवाब खुद एजुकेशन पोर्टल दे रहा है। एजुकेशन पोर्टल बता रहा है कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों के 70,000 पद खाली है, यानी ये तो साफ है कि शिक्षा मंत्री फिजूल की बातें कर गए। बहरहाल शिक्षा मंत्री के इस बयान को अतिथि शिक्षकों का अपमान बताकर माफी मांगने की आवाजें भी तेजी से उठ रही हैं। विपक्ष के नेता भी शिक्षा मंत्री और सरकार को जमकर कोस रहे हैं, सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि जब चुनाव के वक्त वोट बटोरने थे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी इन्हीं अतिथि शिक्षकों की चरण वंदना कर रहे थे,
और अब शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह इन्हीं अतिथि शिक्षकों का अपमान कर रहे हैं जो बीते डेढ़ दशक से ज्यादा समय से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का भार उठाकर चल रहे हैं। यानी मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का मामला अब पूरी तरह सियासी हो चुका है, तूल पकड़ चुका है और पहले से ही सरकार की अनदेखी झेल रहे अतिथि शिक्षकों के जले पर नमक छिड़कने का काम कर दिया है मंत्री जी के इस बयान में, जिसमें उन्होंने अतिथि शिक्षकों को दो टूक कह दिया कि मेहमान हो मेहमान की तरह रहो, अतिथि हो अतिथि की तरह रहो, घर पर कब्जा करने की कोशिश मत करो। जबकि अतिथि शिक्षक सरकार से अपना वाजिब हक मांग रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें मुख्यमंत्री के चेहरे से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ बीजेपी की सरकार को जानते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की थी, जो भरोसा दिया था, जो वादे किए थे, जो नियम कायदे बनाए थे, शिक्षकों को बस उतना ही चाहिए। अपना हक मांगने में क्या हर्ज है, ये सवाल पूछ रहे हैं अतिथि शिक्षक। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षकों के लिए क्या क्या कहा था वो भी हम आपको सुनाते हैं और उन्हीं के मुंह से हम कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल यह है कि शिवराज जी, अतिथि शिक्षक वर्ग एक को कितनी सैलरी देने का आपने कहा था? अतिथि शिक्षक वर्ग एक 9,000, इसके स्थान पे 18,000 रुपया दिया जाएगा। दूसरा सवाल यह है कि शिवराज जी, वर्ग दो के लिए कितनी सैलरी का आपने प्रावधान किया था? अतिथि शिक्षक वर्ग दो 7,000, उसकी जगह 14,000। और वर्ग तीन के लिए आपने क्या कहा था शिवराज जी? और तीन को 5,000 की बजाय 10,000 रुपया ये मानदेय किया जाएगा। शिवराज जी, आगे अनुबंध होगा कि नहीं और बीच में गैप हुआ तो क्या सोचा है आपने? कोई भी गैप नहीं होगा, एक बार अनुबंध हो गया तो पूरे साल चलेगा। शिक्षक भर्ती में अतिथि शिक्षकों को कितना आरक्षण मिलेगा शिवराज जी? शिक्षकों की भर्ती में अभी तक अतिथि शिक्षकों को केवल 25% का आरक्षण था, अब 50% बढ़ा के किया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को बोनस के कितने मार्क्स मिलेंगे शिवराज जी? प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में ये प्रदान किए जाएंगे। अतिथि शिक्षकों को महीने की किस तारीख तक सैलरी मिल जाएगी? निश्चित महीने की 1 तारीख, 1 या 2, 3, 4 जो भी होती है उसमें सबको मानदेय मिल जाए। अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? गुरुजियों की तरह एक योजना बनाऊंगा कि जिसमें पात्रता परीक्षा लेके भी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की दिशा में आगे बढ़ सके। और आखिर में अतिथि शिक्षकों के लिए आपकी कोई और घोषणा है शिवराज जी, आपकी कोई इच्छा है वो भी बता दीजिए। मेरी इच्छा है कि तुम सब नियमित हो जाओ, ढंग से पढ़ाओ, बच्चों को भी ठीक से पढ़ाओ। तो सुना आपने, खुद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बता दिया कि उन्होंने अतिथि शिक्षकों को लेकर क्या क्या वादे किए थे, उन्हें क्या क्या भरोसे दिलाए थे। दूसरी तरफ दो दो परीक्षाएं पास करने वाले शिक्षक भर्ती के उम्मीदवार अतिथि शिक्षकों को लेकर मंत्री जी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, अगर अतिथि शिक्षक नियमित हो जाएंगे तो कड़ी मेहनत करके दो दो परीक्षाएं पास करने वाले क्या गधे चराएंगे। अतिथियों को पहले से ही भर्ती में 25% आरक्षण मिल रहा है, ऐसे में उन उम्मीदवारों का क्या होगा जो मेरिट में आने के बावजूद अनरिजर्व्ड है, यानी जिन्हें कोई कोटा नहीं मिला, उनका क्या होगा? ये सवाल वेटिंग शिक्षक पूछ रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में अब शिक्षक भर्ती का मामला, शिक्षकों का मामला गजब का सियासी रूप ले चुका है और कांग्रेस भी लगातार रोजगार की दिशा में सरकार की नीतियों को लेकर गंभीर और तीखे सवाल उठा रही है। ये रिपोर्ट दिखाने का हमारा मकसद किसी का पक्ष लेना या समर्थन करना कतई नहीं है। हम समाज और सरकार का ध्यान सूबे के सरकारी स्कूलों में शिक्षा और शिक्षकों की कमी पर खींचना चाहते हैं, जो बेहद गंभीर विषय है। इस वजह से भविष्य के कर्णधारों यानी बच्चों का भविष्य ही अंधेरे में नजर आ रहा है। शिक्षक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो शिक्षक जो समाज के शिल्पकार कहे जाते हैं, जिनकी भूमिका केवल शिक्षा देने तक सीमित नहीं है। शिक्षक नई पीढ़ी के चरित्र, विचार और दृष्टिकोण का सृजन भी करते हैं।
मगर अफसोस सूबे के 1,00,000 से ज्यादा स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी ने शिक्षा व्यवस्था की जड़ें कमजोर कर दी हैं। सरकार के वादे और दावे शिक्षा को प्राथमिकता देने के हैं, अच्छी बात है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में शिक्षकों की नियुक्ति में बेवजह देरी और प्रशासनिक उदासीनता नजर आ रही है, जो न केवल बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन है बल्कि देश की प्रगति में बड़ी बाधा भी है। प्रदेश में व्याप्त गजब के हंगामे के बीच अब सरकार को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाकर काबिल शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। त्रैमासिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं 19 सितंबर से मध्य प्रदेश में। सरकार देर तो कर ही चुकी है, मगर अब सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि अंधेर ना होने पाए। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।